फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए गर्मियों के लिए एक फेशियल लेके आई हूँ। और इस वीडियो को देखना ना भूलें, इसे लाइक और शेयर करिए। और ये देख लिए, ये फेस वॉश है और ये मसाज क्रीम है और ये स्टीम टोनर है और ये सीरम है, ये सीरम है और ये कॉटन और बाउल में पानी है। तो बहुत ही अच्छा ये फेशियल है गर्मियों के लिए। ये देखिए, अब मैं करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं फेस वॉश लगाऊंगी। सबसे पहले मैं फेस वॉश लगा रही हूँ। अभी थोड़ा सा आपको इसको हाथों में ले लेना है। बहुत अच्छा फेस वॉश है ये, बिल्कुल हल्का सा आपको लेना है। पूरा फेस में ये अच्छे से आपको लगा लेना है। ये देखिए, मैं अच्छे से पूरे फेस में लगा ले रही हूँ। और हल्का सा ऐसा पानी लेके भी इसमें हल्का सा कर लीजिए। बहुत ही अच्छा है ये देखिए, हल्का सा लगाने से भी बहुत इसमें फेस वॉश बहुत ही अच्छा है ये। अब मैं इसको कॉटन से साफ कर ले रही हूं। इससे बहुत ही काला निकल जाता है। ये देखिए कितना काला निकला है, फिर भी मैंने फेस को साफ कर रखा था। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये। अब मैं स्किन टोनर लगा रही हूँ फेस पे। इसको 5 मिनट तक ऐसे रखना है, 1 से 2 मिनट रखना है आपको। और उसके बाद आपको ऐसे ऐसे करके इसको मिला लेना है। ये देखिए, पूरा ही फेस पे अच्छे से सूख गया है ये। अभी मैं इसको फिर साफ कर ले रही हूँ अच्छे से। ये मैंने साफ कर लिया है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल टाइट टाइट लग रहा। अब मैं करूंगी मसाज क्रीम। मैं इतना ले रही हूँ। ये देखिए, इतना लिया है, दोनों को इसमें यहाँ से रखिए और इतना यहाँ से रखिए। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है आपको। इसको गोल गोल करके भी आप घुमा सकते हो आईब्रो के ऊपर, और हल्के हाथों से आंखों के ऊपर मसाज कर लीजिए और आईब्रो के ऊपर से ऐसे लेके हल्का सा यहाँ पर पॉइंट में हल्का सा प्रेशर देना है और नीचे से हल्का सा आंखों के सामने प्रेशर देना है आपको। और फिर यहीं से हम नीचे लाके यहाँ पर एक बार प्रेशर दे दीजिए और फिर हम यहाँ आ रहे हैं।
सेकंड स्टेप फिर दो उंगलियों से नाकों के ऊपर करना है आपको, फिर ऐसे खोल लेना है और आंखों के सामने प्रेशर, नीचे प्रेशर आपको बहुत ही, ये कोल्ड है बिल्कुल फेस में, बहुत ही अच्छा लग रहा है और रिलैक्स भी मिल रहा है इसमें। और यहाँ से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फिर माथा, और माथे में आप गोल गोल भी ऐसे से घुमा सकते हो जिससे आपके पूरे अच्छे से मसाज हो जाए। फिर नीचे से और आंखों के सामने आपको हल्का सा पॉइंट के सामने यहाँ पर प्रेशर देना है, ये जगह कानों के सामने प्रेशर देना है। फिर नीचे यहाँ पर आप हल्के से ये थंब से प्रेशर देना है चिन के सामने, फिर नीचे लेके आना, फिर दोनों ये थंब को नीचे रख के और उंगलियों को ऊपर रखना है और ऐसे ऐसे राउंड में मसाज देना है। और थर्ड स्टेप हथेली वाला, और दोनों हथेलियों से आपको ऐसे ऐसे करके कर लेना है और हल्का ऊपर की तरफ ऐसे ले लेना है आपको नीचे, और हल्के हाथों से आंखों के ऊपर मसाज और आईब्रो के ऊपर दबा लेना है आपको हल्के हल्के हाथों से, और दोनों उंगलियों से आंखों के ऊपर ऐसे ऐसे करके राउंड, और यहाँ पर प्रेशर नीचे की साइड से प्रेशर और ऊपर की साइड से प्रेशर, ये जगह में आपका काला रहता है, दोनों उंगलियों से ऐसे करके बाहर की साइड को लेना है, मसाज कर लेना है। फिर यहाँ पर आंख के सामने पॉइंट में प्रेशर, कान के सामने प्रेशर, चीन के नीचे थंब से हल्का सा यहाँ प्रेशर देना है और राउंड ऊपर से नीचे। अब मैं हल्का सा इसे सीरम ले ले रही हूँ, सीरम आपको 1 से 2 तक लेना है, ये ले रही हूँ। इसमें निकल नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा इसी से निकाल ले रही हूँ, पहले ड्रॉप से नहीं निकल रहा है, बस 2 बूंद लेने हैं आपको, ज्यादा नहीं, इतना लिया हुआ है मैंने, ये देखिए 2 ड्रॉप है इसमें, और हल्के हाथों से इस जगह में और यहाँ, और इसको भी ऐसे करके मसाज कर लेना है। और 2 उंगलियों से नाक के ऊपर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है, और आंख के सामने प्रेशर, और यहाँ से राउंड। अब हम ये वाला कर लेंगे, यहाँ पहले रखना है आपको, और यहाँ से बाहर की साइड, इधर से इस साइड में, और दोनों गालों में चिक में आपको रख के ऐसे ऐसे अंदर से बाहर की तरफ घुमाना है, और ऊपर की साइड और ऊपर से नीचे की साइड को ऐसे लेना है, और आंखों के ऊपर हल्के हाथों से मसाज, आईब्रो के ऊपर प्रेशर देना है आपको, और ऊपर से नीचे राउंड ले लेना है हल्का सा प्रेशर, कान के सामने प्रेशर, फिर यहाँ ले लेना है, और ऐसे करते हुए आपको, और दोनों उंगलियों से इस जगह में आपको प्रेशर देना है। अब मैं ये वाला की ऐसे ऐसे करके बिठा दूंगी इसको, और ऐसे इसके उठाने के बाद, और ऊपर की साइड को आपको एक बार ऐसे भी मसाज कर लेना है, और यहां से 2 उंगलियों से नाक, पॉइंट, आंखों के ऊपर से नीचे, और इस जगह में क्या होता है आंखों के नीचे हमारा काला पड़ जाता है, तो हल्के हल्के हाथों से 3 उंगलियों से बाहर की तरफ मसाज कीजिए, और ऊपर की साइड में, और आंखों के सामने पॉइंट में यहाँ प्रेशर दे दीजिए, और यहाँ कानों के सामने पर ऐसी करते हुए ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा इसको अच्छे से कॉटन से साफ कर लेंगे,
अब उसके बाद में एक बार इसको स्टीम टोनर को एक बार और कर लूंगी लास्ट में। इससे क्या होता है स्किन बहुत ही टाइट हो जाती है। बस इतना लगाने के बाद और इसको एक से दो मिनट तक आपको सूखने देना है, ये सूख जाएगा अभी। और जैसे नहीं सूखना तो आप हाथों से भी इसको बिठा सकते हो, बिल्कुल टाइट और अच्छा हो जाता है। इसमें मैं एक से दो मिनट इसको छोड़ दे रही हूँ। क्या बिल्कुल ठंडा लग रहा है? अब मैं इसको थोड़ा सा और मिला ले रही हूँ और अंदर से बाहर की तरफ पीजिए से। और जैसे ये वाली एक्सरसाइज इसको बाहर की तरफ आपको खींच लेना है जिससे आपके चीक बाहर की तरफ निकल जाए। जैसे किसी के बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है तो बाहर निकल सकते हैं इसमें एक्सरसाइज से। ये देखिए पूरा अच्छे से ही ये सूख गया है। इसमें आपको पैक लगाने की भी जरूरत नहीं, इतना टाइट इससे हो जाता है। बहुत ही रिलैक्स मिल रहा है इससे। गर्मियों के लिए बहुत ही आसान तरीका है ये फेशियल का। और देखना इसमें कितना अच्छा आपको लग रहा होगा। ये हमारा कंप्लीट फेशियल हो गया है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके बारे में मेरे लिंक के नीचे ही आप वीडियो के नीचे आप इसमें कमेंट करिए।